गो माता की जय। जितना भी जाट समाज, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे सभी देशवासियों सबको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ। जितना हो सके तुम लोगों से, सभी से युवा सहयोग करके टीकाकरण, स्प्रे, देसी इलाज या अन्य तरीके से अपने अपने गौशाला या आसपास के गायों के थोड़ा सहयोग करें, सरकारी या निजी डॉक्टर के सहायता से और इस बीमारी से बचाए। सभी हालात बहुत ही खराब हैं। हर हर महादेव, जय बोलो बाबा राम सफीर के भरोसे हैं। जय गौशाला, जय गौ माता की जय। आपसे एक निवेदन बोलना चाहता हूँ सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को, यदि भारत के अंदर गाय बचेगी तो सभी इंसान बचेंगे, और यदि इंसानियत से नहीं रहोगे, स्वार्थी भावना से जीओगे तो गौ हत्या और गाय सभी मर जाएगी, तो इंसान भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाकर शेयर करते हैं, इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को बचाना है, देश को सभी चीज़ों का नाम रोशन होगा, और गायों से दूध, दही, घी, मक्खन, गोबर, गैस और गौमूत्र, गायों से खूब सारी चीज़ें देश के और विदेशों में जा रही हैं, और कृपया करके गायों को बचाना है और वापिस नाम रोशन करना है। कृपया करके सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं को बचाना है और देश के हित में बात करना है। और आजकल ये नाटक चल रहा है देशद्रोही, देश विरोधी, ऐसे इंसानों से चार कदम दूरी रहना, क्योंकि खुद का परिवार तो संभलता नहीं है और देश के विरुद्ध में बातें करते हैं, ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना है। और गौ माता की जितनी सेवा करेंगे उतना ही मेवा मिलने वाला है। और कृपया करके आप लोगों से एक निवेदन है, आजकल ये इंसानों के लिए, पहले कोरोना आया था और अभी ये गायों के लिए स्क्रीन प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हल्दी और नारियल का तेल लगाने से स्क्रीन प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। क्योंकि एक बार गायों के ऊपर लगा के देखिए, यदि सूट हो गया तो अच्छी तरह से गौ माता ठीक हो जाएगी और आपको आपके ज़िंदगी में बहुत सारा शांति से रह पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति चार पांच गायों को बचाना सीखो और हमेशा इंसानों की और गायों की सहायता करनी सीखो, क्योंकि पैसा तो आएगा और जाएगा, गाय को बचाना है, देश का नाम रोशन करना है। इसलिए जय बोलो गौ माता की जय।